इल्यूजन। वो इल्यूजन ही है जिसका इस्तेमाल कर जादूगर हमारी आंखों को और दिमाग को धोखा दे देते हैं। इसी इल्यूजन को न समझ पाने की वजह से हम इसे जादू समझने की गलती करते हैं। दुनिया में कई ऐसी चीजें मौजूद हैं दिमाग जिनका सही से आकलन नहीं कर पाता और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं दिमाग को भ्रम में डालने वाले 5 सबसे बड़े ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, हेड ऑफ प्लैटर, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, कुआलालंपुर। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक टेबल पर रखे एक प्लेट में एक इंसानी सिर रखा होता है। नीचे न कोई शरीर दिखाई देता है, न ही कुछ। ये सिर बाकी लोगों से बातचीत कर रहा होता है। इसे देख हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इसी इल्यूजन के बारे में। अगर आप एक कांच के ग्लास में आईने का टुकड़ा रखोगे और उसी ग्लास में आईने के पीछे अपनी उंगली डालोगे तो एक एंगल से देखने के बाद हमें ग्लास खाली दिखाई देगा, क्योंकि अंदर का आईना ग्लास के कांच का रिफ्लेक्शन पैदा करेगा और हमें ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि ग्लास खाली है। कुछ इसी तरह म्यूजियम में भी आईने का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अगर आप भी फोटो में खुद का एक अलग क्लिक करवाना चाहते हो तो ऐसे म्यूजियम में जा सकते हो। नंबर 4, मेगावंस इनफाइनाइट मिरर मेज। सलमान खान की मूवी प्रेम रतन धन पायो, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कोई एक बंदा शीश महल में खो सकता है। ऐसे महल आपके सामने आपके हजारों प्रतिबिंब होते हैं, ऐसे में आपका कंफ्यूज होना एक आम बात है। मेगावंस इनफाइनाइट मिरर मेज एक ऐसी जगह है जहां ऐसा ही एक शीश महल आपको दिखाई देगा। इस जगह जाते ही आपको फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि रास्ता कहां है और आईना कहां है ये आप पहचान नहीं सकते। लोग अक्सर रास्ता समझकर शीशे से टकरा जाते हैं। मेगावंस इनफाइनाइट मिरर मेज बनाने के लिए 77 आईनों का इस्तेमाल किया गया है। 80 के दशक में चल रहे गाने, कलरफुल लाइट्स और हजारों प्रतिबिंब ये माहौल आपको शायद ही कहीं देखने को मिल जाए। अगर आपको इस माहौल का अनुभव करना है तो आपको सैन फ्रांसिस्को जाना होगा। नंबर 3, बैकवर्ड चेयर इल्यूजन। जहां हमारी आंखें ज्यादातर कुर्सियों को अपनी आम आकार में देखने के आदी होते हैं, वहीं हमने इन आंखों से बैकवर्ड चेयर को देख लिया तो हम जरूर धोखा खा जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया। पहली बार देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि कुर्सी का मुंह हमारी ओर किया गया है। तब हम धोखा खा जाते हैं जब कोई इंसान इस कुर्सी पर जा बैठता है और हमें पता चलता है कि इसका मुंह तो किसी और ही तरफ था। इस कुर्सी को बनाया ही ऐसा गया है कि इसे देख हम ये तय नहीं कर पाते कि हम आंखों की सुने या दिमाग की, क्योंकि दिमाग और आंखें कुछ और ही बता रही होती हैं। नंबर 2, ड्रॉप ऑफ रूम। ब्राजील में रहने वाली रेजीना सिल्वेरा ने पेंटिंग द्वारा एक ऐसा इल्यूजन तैयार किया है जो हमारी चीजों को पहचानने वाली समझ से खेलता है। इसका डेप्थ नामक इल्यूजन सबसे कमाल का है। इसकी खिड़कियां और जमीन को कुछ इस तरह से पेंट किया गया है कि इसे देख ऐसा लगता है कि रूम कभी खत्म ही नहीं होगी। इसकी शुरुआत तो हमें दिखाई देती है लेकिन इसका अंत हम देख नहीं सकते। यहाँ जाने के बाद आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आप किसी कार्टून की दुनिया में आ गए हो, लेकिन ये दुनिया आपको असली लगने लगेगी। ऊंचाई से डरने वाले लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में पैदा होने वाला भ्रम शायद उनकी जान भी ले सकता है। नंबर 1, फेस स्वैप इल्यूजन। इंटरनेट पे आपको हजारों ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें 2 या 3 लोगों के तस्वीर को फोटोशॉप के जरिए चेहरे बदल दिए हों। काफी मजेदार चेहरा बदलने वाली ये संकल्पना वास्तविक दुनिया में कभी भी सच नहीं हो सकती, लेकिन फेस स्वैप इल्यूजन के जरिए हम फेस स्वैपिंग यानी कि चेहरा बदलने की प्रक्रिया को और भी अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस म्यूजियम में एक खास तरीके से बनाया हुआ आईना रखा हुआ है। इसका मजा लेने के लिए 2 लोगों को आमने सामने खड़ा होना पड़ता है, एक आईने के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। ऐसा करते ही आईने में एक इंसान की नाक या ओंठ दूसरे इंसान जैसी लगने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे ये 2 इंसानों ने अपना चेहरा बदल लिया हो। इस आईने में देखने से आप खुद को एक अलग ही इंसान महसूस करने लगोगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।